क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। फिर क्या सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, आपको बता दूं संसद भवन की सुरक्षा में है तो बड़ी चूक हुई है, और संसद भवन की सुरक्षा में मैं बता दूं आपको बड़ी यहां पर चूक हुई है। 2 युवक जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे वो सीधे सांसदों की टेबलों के ऊपर कूद गए और इधर उधर कूद उछल कूद करने लगे। सांसदों ने की टेबलों पर जब कूदते वो नजर आए तो सांसदों ने उनका भाग कर पीछा किया और पीछा पकड़ करके उनको पकड़ भी लिया वहाँ पर, और सांसदों द्वारा उन दोनों की पिटाई भी कर दी गई। इसी दौरान जो है कुछ धुआं निकालने वाले कुछ आइटम वो अपने साथ लेके आए थे, जिससे संसद में धुआं ही धुआं चारों तरफ होने लगा। दोनों आरोपियों को वहीं पर हाथों हाथ पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में पता चला कि उन 2 आरोपियों के साथ संसद भवन के बाहर भी 2 और उनके साथी खड़े थे, जिन्होंने और धुआं है जो संसद भवन के बाद भी वो स्मोक गैस चलाई थी। संसद भवन में जब दोनों को गिरफ्तार किया गया तो उसी दौरान जो धुआं है वो चारों तरफ धुआं ही धुआं संसद भवन में हो गया था, और कुल 4 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से अब IB की टीम पूछताछ कर रही है, और बता दूं आपकी संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला आज सामने आया है, और संसद के अंदर से ये सनसनीखेज वीडियो भी सामने आ रहा है। और इसके बाद जो है जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि जो दर्शक दीर्घा के पास हैं उन पर तुरंत रोक लगा दी गई है, और 22वीं जो बरसी है जो संसद पर अटैक हुआ था उस बरसी पर यह अटैक किया गया, और कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और सांसद पूर्व सांसद के PA के पास आदेश दे दिए गए कि जो पास है उनको रद्द कर दिया गया है, जो भी दर्शक दीर्घा के लिए जो पास है उनको रद्द कर दिया गया है। अचानक जो है विजिटर गैलरी से दोनों शख्स है वो सीधे सांसदों के बीच कूद गए, सदन की बेंच पर इधर उधर वो है जो उछल कूद करने लगे थे, जो स्मोक स्प्रे लेकर जो घुसे थे तो वो उसमें स्मोक स्प्रे भी संसद के अंदर चला दिया गया, जिससे धुआं ही धुआं हो गया, और इस दौरान दोनों ही आरोपी वहां पर अंदर ही जो है सांसदों द्वारा पकड़ लिए गए, और उनकी सांसदों ने ही पिटाई कर दी, और सांसदों ने पिटाई कर उनको सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। उसके बाद पुलिस है जो उनको गिरफ्तार करके लिए, कुल जो 4 आरोपी है वहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, और आरोपियों के नाम की भी पहचान कर ली गई है, और पुलिस से अब की टीम है IB है जो उनसे अब पूछताछ कर रही है। और ये बता दूं कि संसद की सुरक्षा में यह बड़ी चूक का मामला है अब जो सामने आया है। चल रहा था उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े, कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा, कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया, एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे, तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके, तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया, एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही है वो तो स्थगित हो गया, अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहां खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हैं वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दिया, नहीं किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कुत्ते आए पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में ही जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक